हेलो किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो ये हमारे क्लास फिफ्थ का लेसन 9 है। 8 लेसन तक के एक्सप्लेनेशन हो गए हैं, तो ये हमारा लेसन 9 है। क्या है हमारा लेसन 9? लेसन 9 है सेवियर ऑफ द वैली। सेवियर का मतलब होता है रक्षक। सो किस बारे में, अब देखते हैं। अवर एनवायरमेंट इज़ इन ग्रेट डेंजर बिकॉज ऑफ द वेस्ट वी थ्रू अराउंड अस। रीड द लेसन अबाउट हाउ द एफर्ट्स ऑफ ईयन वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड। तो हम सबको पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है, ये बहुत ही दूषित हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हम यहाँ वहाँ कचरा फेंकते रहते हैं। तो इस लेसन में बताएगा कि कैसे एक इंसान के प्रयास से चीज़ें बदल जाती हैं। मानवी, गौरव, रसलीन एंड राहुल आर ट्यूरिंग द वैली ऑफ फ्लावर इन द हिमालय। तो मानवी, गौरव, रसलीन और राहुल कहाँ टूर कर रहे थे? वैली ऑफ फ्लावर्स हिमालय में। दे आर ओनली 4 ऑफ द मैनी टूरिस्ट हु विजिट द वैली। काफ़ी सारों टूरिस्ट विजिट करते हैं और ये उनमें से 4 थे। दे आर अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग। और वो आसपास की सुंदरता देखकर बहुत ही अचंभित थे, बहुत ही खुश थे। मुकुल, देयर लोकल गाइड एक्सप्लेन टू देम द सीक्रेट ऑफ इट्स ब्यूटी। और उनका जो लोकल गाइड था मुकुल, उसने वहाँ उनको बताया वहाँ की सुंदरता के बारे में। मुकुल, वॉट यू सी नाउ इजंट द वे इट वॉज ईयर्स एगो। तो मुकुल उनको बताता है कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं, ये काफ़ी साल पहले ऐसा नहीं था। रसलीन, वाई मुकुल, वॉज इट डिफरेंट। तो जो रसलीन है वो पूछता है, क्यों पहले क्या अलग था ये? मुकुल, इट वॉज डर्टी एंड स्टिंकिंग बिकॉज लैक्स ऑफ माइंडलेस टूरिस्ट वुड लीव गार्बेज बिहाइंड। रिसेंटली दिस वैली एंड द नेबरिंग नंदा देवी नेशनल पार्क हैज़ बीन क्लीन बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ वन फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर। तो मुकुल बताता है कि नहीं, पहले ये बहुत गंदा था, क्योंकि काफ़ी सारे बददिमाग लोग यहाँ पर अपना कचरा छोड़ देते थे। और ये सब साफ किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि नंदा देवी नेशनल पार्क की एक फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर की वजह से ये सब साफ हुआ है। मानवी, हु इज इट। मानवी पूछती है, कौन है वो? मुकुल, मैडम ज्योत्सना सिटलिंग, शी नॉट ओनली बिगिन टू रिपेयर द प्रोजेक्ट इन हिमालयन स्टेट ऑफ उत्तराखंड बट हैज़ ऑल्सो हेल्प द वैली ऑफ फ्लावर टू बिन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड वी अनाउंस इट वेरी प्राउडली टू ऑल ऑफ अवर टूरिस्ट। तो अब मुकुल क्या बताता है कि मैडम ज्योत्सना, उन्होंने ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट को ठीक किया, बल्कि उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिलाने में भी मदद की, और ये बहुत ही गर्व की बात है। हम पूरे गर्व से ये सारे टूरिस्टों को बताते हैं। राहुल, मुकुल, कैन यू टेल अस हाउ दिस चेंज कम अबाउट। अब जो राहुल है वो मुकुल से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि किस तरीके से ये चेंज हुआ? मुकुल, मैडम सिटलिंग वर्क इन्वॉल्व क्लीनिंग द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। हाई पील्स ऑफ प्लास्टिक एंड वेस्ट विच हैड बीन डंप्ड बाय टूरिस्ट ओवर द लास्ट 30 ईयर्स हैड टू बी क्लियर्ड आउट। अब जो मुकुल बताता है कि मैडम सिटलिन का जो वर्क था वो क्या था कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को क्लीन करना, और जो कचरा था वो कितना था, सोचिए पिछले 30 साल का कचरा कितना होगा। गौरव, वॉट 30 ईयर्स ऑफ गार्बेज हैड टू बी क्लीन अप, हाउ कुड वन पर्सन क्लीन ऑल दैट गार्बेज। अब गौरव कहता, क्या 30 साल का कचरा साफ करना, कैसे एक इंसान इतना कुछ कर सकता है? मुकुल, टू स्टार्ट विथ मैडम पुट टुगेदर अ ग्रुप ऑफ लोकल पीपल, शी देन हायर्ड गार्बेज कलेक्टर्स फॉर मंथली सैलरी ऑफ 1000 विथ एन एडिशनल पे ऑफ ₹5 फॉर एवरी बैग ऑफ गार्बेज। आफ्टर वर्किंग फॉर 40 मंथ मैडम्स टीम कलेक्टेड 44 टन ऑफ गार्बेज इन द 14,000 गनी बैग्स। आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी ये स्टार्ट कैसे हुआ कि पहले लोकल लोगों की मदद ली गई, ठीक है, गार्बेज कलेक्टर्स को हायर किया गया, ₹1,000 की सैलरी दी गई, फिर ₹5 के हिसाब से पर बैग गार्बेज का देते थे, और 14 महीने के बाद में 44 टन का गार्बेज इकट्ठा किया, और जो मुकुल था वो भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। मानवी, वॉज शी वेरी अपसेट विद द हैबिट ऑफ द टूरिस्ट। अब मानवी पूछती है, ज्योत्सना मैडम थी, क्या वो टूरिस्टों की इस आदत से नाराज़ थी? मुकुल, नॉट रियली, शी वॉज अमेजिंग, आई रिमेंबर हर लाफिंग एंड सेइंग फ्रेंड्स द कलेक्टेड गार्बेज मैचेस द सराउंडिंग माउंटेन्स इन देयर हाइट।
अब जो मुकुल कहता है कि नहीं वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत शानदार है, मुझे याद है वो हस्ती हुई कहती थी कि जितना गार्बेज हमने कलेक्ट किया है उतना हमारे आसपास के पहाड़ों की हाइट है। राहुल वाज द रेबिश बंट। अब जो राहुल है वो पूछता है कि जो इतना कचरा इकट्ठा किया था क्या उसको जला दिया। मुकुल नॉट एट ऑल, दैट्स बैड फॉर आवर एनवायरमेंट, द गार्बेज वाजंट बर्नड और बरीड, इंस्टेड इट वाज सेंट टू दिल्ली फॉर रिसाइकलिंग। अब जो मुकुल है वो कहता है कि नहीं वो उसको जलाया नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमारे वातावरण के लिए बुरा है, उसको क्या कहा गया, उसको दिल्ली भेज दिया गया रिसाइकलिंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैडम सिटलिंग गेव इम्पोर्टेंस टू मेडिसिनल प्लांट्स, रेयर हर्ब्स एंड ट्रेडिशनल क्रॉप्स इन अवर एरिया। और इसके अलावा जो मैडम सिटलिंग थी उन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे नीम, तुलसी, इन सब को इम्पोर्टेंस दिया, ट्रेडिशनल क्रॉप हमारे एरिया में होने लगी। दिस इम्प्रूव्ड द इकोनॉमी ऑफ द हिल एंड हेल्प द प्रिवेंट पोचिंग एंड इलीगल अपरूटिंग ऑफ द हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। और इससे क्या हुआ, आर्थिक स्थिति भी इस जगह की सुधरने लगी और इलीगल जो पेड़ हटाए जाते थे, साफ किया जाता था, उस सबको वो भी ख़त्म होने लगा। ग्रुप ऑफ लोकल पीपल वर ऑल्सो इनकरेज टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड अप्रिशिएट द एनवायरमेंट। अब जो लोकल लोग थे उनको भी उत्साहित किया गया, उनको भी इनकरेज किया गया कि वो अपना कल्चर बचाएं और एनवायरमेंट को भी बचाएं। दोज हु हैड किल्ड एनिमल्स अर्लियर बिगिन टू प्रोटेक्ट देम बिकॉज दे अर्नड वेल फ्रॉम अदर जॉब्स मैडम क्रिएटेड फॉर देम। और जो लोग पहले जानवरों को मार देते थे अब वो उनको बचाने लगे क्योंकि मैडम ने उनके लिए अलग से जॉब भी शुरू कर दिए थे जिससे वो अच्छा कमा लेते थे। राहुल वर दे हैप्पी अबाउट इट, क्या वो लोग खुश थे इस सबसे? मुकुल ऑफ कोर्स देवर। मुकुल कहता है हाँ बिल्कुल वो इस सबसे बहुत खुश थे। गौरव वाओ शी डिज़र्व्स अ प्राइज फॉर ऑल दिस। अब गौरव कहता है कि अब उन्होंने इतना कुछ किया तो वो इसके लिए प्राइज डिज़र्व करती हैं। मुकुल ओ यस, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ग्रेट एफर्ट वाज फर्स्ट recognized in 2004 when Madam Sittlings was given a state award on June 5th the World Environment। कहता है कि हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एफर्ट्स हैं ये पहचाने गए 2004 में जब मैडम सिटलिंग को स्टेट अवार्ड मिला 5 जून को जो कि होता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। रश्लिन मुकुल अर्लियर यू मैंशन दैट दिस प्लेस नाउ इन्जॉयज द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हाउ डिड दैट हैपन। अब रश्लिन पूछता है कि तुमने इसको बोला कि ये जो साइट है वैली ऑफ फ्लावर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का अवार्ड मिला है, वो कैसे हुआ? मुकुल वेल लॉन्ग मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क स्टार्टेड टू बियर फ्रूट व्हेन द रीजन शो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड अ न्यू बिगनिंग। अब मुकुल जो कहता है कि जब हमने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की उसने फल देना शुरू किया और जब इस एरिया में इम्प्रूवमेंट दिखने लगी। On 14 July 2005, Madam Sittling was informed that the Valley of Flower National Park was being awarded World Heritage Site status. और 14 जुलाई 2005 को मैडम सिटलिंग को इन्फॉर्म किया गया कि वैली ऑफ फ्लावर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया है। दिस ग्लोबल अवार्ड हैज़ हेल्प्ड उत्तराखंड अट्रैक्ट मोर नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड ऑल्सो रिसीव फंड्स टू प्रोटेक्ट इट्स एनवायरमेंट फर्दर। और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उत्तराखंड में अब नेशनल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी टूरिस्ट आने लगे और इससे जो फंड मिल रहा है वो एनवायरनमेंट के लिए ही आगे यूज़ हो रहा है। मानवी वाओ आई थिंक शी डिज़र्व्स अनदर अवार्ड। मानवी कहती है अब उनको एक और अवार्ड मिलना चाहिए। मुकुल यस एंड फॉर हर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन 2007 मैडम सिटलिंग रिसीव्ड द इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंडियाज हाईएस्ट एनवायरनमेंट ऑनर। मुगल कहता है हाँ इसके लिए उनको 2007 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला जो कि भारत का हाईएस्ट एनवायरनमेंटल ऑनर है। आई रिमेंबर हर टेलिंग अस अवर स्पेशल एक्सपेरिमेंट हैज शोन दैट नथिंग विच कांट बी अचीव्ड इफ वी चूज टू वर्क टूगेदर नो मैटर व्हाट द डिफिकल्टीज आर। तो जो मैडम सिटलिंग थी वो कहती थी इस सबसे उनको ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं अचीव कर सकते, अगर हम साथ में मेहनत करें तो कितनी भी मुश्किल हो हम वो चीज़ को पा लेंगे। राहुल वाओ व्हाट अ डिफरेंस वन पर्सन हैज़ मेड, सिर्फ एक इंसान ने कितना बदलाव ला दिया। आवर सफरिंग प्लानट नीड्स मैनी मोर पीपल लाइक ज्योतना सिटलिंग्स टू मेक इट्स एनवायरमेंट ब्यूटिफुल जस्ट लाइक दिस वन।
तो हमारी जो धरती है, हमारा जो ग्रह है, उसको जोतना जैसे ही और लोगों की ज़रूरत है जो उसे खूबसूरत बना सकें, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर को बना दिया गया। तो ये हमारा लेसन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करेंगे। गुड डे एंड गुड बाय।